हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ तिरुवन कोरबन चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी सूक्ष्म जीवों की, और इसमें हमने बहुत सारी बातें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कर चुके थे, जैसे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ रहते हैं, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, किसने करी, और यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी डेली लाइफ में। ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट जो है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हार्म है, मेन जो नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो बीमारी पैदा करते हैं माइक्रोब्स, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है बॉडी को, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है माइक्रोब्स का। लेकिन हजार साल पहले जब कोई आदमी बीमार हो जाता था तो उसका कोई पर्टिकुलर जो वजह है वो नहीं पता होती थी। उस टाइम बहुत सारे मिथ्स थे कि भाई देवी देवता नाराज हो गए, इस वजह से कोई बीमारी हो गई है, या कोई भूत या प्रेत की वजह से हो गया है, झाड़ा वाड़ा लगवाते थे, समथिंग। ये सारे मिथ्स हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसे कुछ था पहले, जैसे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, मलेरिया जब स्टार्टिंग हुआ था तो लोग ये सोचते थे कि बैड एयर, एक जो गंदी हवा है उसकी वजह से होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये तो आपको पता है, जो माता हो जाती है उसमें लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, दवाइयाँ नहीं लेकर लगाने दी जाती है, नहाने नहीं दिया जाता है, और कहा जाता है भाई तो माता है, ये माता है, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब मिथ्स हैं, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस हैं। बाद में लुईस पाश्चर, कौन लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी किया सबसे पहले माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को, और बाद में इन्होंने बताया कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, यानी कि बीमारी पैदा करते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो डिजीज का कारण बनते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। बात करें अगर हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं। क्या तो अभी मैंने बता दिया आपको कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज का कारण बनते हैं उनको पैथोजन कहते हैं, तो हमें पैथोजन ही बोला हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो कि फूड, वाटर और एयर के माध्यम से हमारी बॉडी में चले जाते हैं, समझ रहे? और इनका जो ट्रांसमिशन है वो किसकी तरह होता है? कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर पैथोजन हैं जो फूड के द्वारा, कई ऐसे जो एयर के द्वारा, और कई ऐसे हैं जो कि वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि वाटर है और कंटेमिनेटेड होगा, है कंटेमिनेटेड, संदूषित, इसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, जैसे फैक्ट्री कारखानों का धुआं, गंदा जल वगैरह, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में मिल जाते हैं, समझ रहे हो? पैथोजेंस क्या हैं? वो वाटर में मिल जाते हैं, और इस वाटर को जब हम यूज कर लेते हैं तो ये जो पैथोजन है जो कि पानी में मिल गए हैं, ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी वो जो पैथोजन है वो एंटर कर गया है, और वो कोई ना कोई डिजीज या बीमारी हमारी बॉडी में पैदा करेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जैसे कि स्नीजिंग और कफिंग, खांसना छींकना, खांसा किसी ने जिसको खांसी हो रही है या फिर जिसको कोल्ड हो रखा है और छींका उसने, तो उसके जो जर्म्स हैं या पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से कोल्ड होता है वो एयर में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, उस एयर को हम भी स्मेल कर जाते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो बीमारी हो जाएगी। और फूड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, मक्खी, ये बहुत सारी गंदी चीज़ों पर बैठ जाती है
वहाँ उन गंदी चीज़ों में एक्सक्रिएट कहते हैं जिनको, उनमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो डिजीज पॉजन होते हैं, ये बैठने के बाद वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके पाँव पे या बॉडी पे वो चिपक जाते हैं और ये फिर जाके जो खुला हुआ ओपन जो फूड मटेरियल होता है उस पर बैठ जाते हैं, वहाँ ये उनको ट्रांसमिटेड कर देते हैं। जैसे हम उस फूड आइटम को खाते हैं तो हमारे अंदर वो बीमारी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बिना ढका हुआ या अनकवर्ड जो है फूड आइटम कभी भी प्रेफर ना करें। पानी जो है वो कैसा पिए, या तो प्योरीफाई करके पिए या फिर उबाल के फिर ठंडा करके तब पिए, और हमेशा मुंह को ढक के रखें। अब जो कोरोना चल रहा है वायरस क्या है, ये भी ब्रीथिंग के द्वारा भी हो जाता है, इसलिए तो मास्क का प्रेफरेंस दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एक और बात, ये तो हुई माध्यमों की बात, मीडियम की, जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। डिजीज भी दो तरीके की होंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है, एक तो कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल तो ऐसी डिजीज होती है जैसे कि मेरे कोई डिजीज है और मेरे कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो मेरे द्वारा उसमें फैल जाए, मेरे टच करने से, साथ बैठने से, खाना खाने से अगर वो डिजीज सरपास हो जाए, जैसे कि अभी कोरोना है, इनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोरोना हो गया, कुछ ऐसी भी डिजीज होती है जो साथ खाने से बैठने से वो डिजीज नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे पीठ का दर्द है और भी बहुत सारी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, जैसे पोलियो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, समझ आया आपको, कैंसर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, साथ बैठने से खाना खाने से कैंसर कभी भी फैलता नहीं है। और इनको रोकने की बात, तो भाई अभी मैंने बताया कि पानी आप अच्छे पिए, साफ पिए, फिल्टर पानी पिए, और एयर की अगर बात करें तो मुंह ढके रखें, हमेशा खांसे छींके तो मुंह ढके ही खांसे छींके। और नेक्स्ट जिसे मलेरिया फैलता है वो एक मॉस्किटो की वजह से होता है, मच्छर की वजह से, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज एक मॉस्किटो होता है, उसके अंदर एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से ये मलेरिया डिजीज होती है। उसके लिए क्या है कि अपने घरों के आसपास आप गंदगी इकट्ठा ना होने, स्पेशली पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी में ही उसका जो वायरस है वो जो पैथोजन है सॉरी वो ड्रो करता है। तो ये बात हुई कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। अब बहुत सारे डिजीज की अगर मैं बात करूं तो डिजीज होती है वो चार तरीके की है, एक तो वायरल, वायरल यानी वायरस से होने वाली डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी मात्रा, ये तो है वायरल डिजीज जो वायरस की वजह से होती है, क्योंकि पैथोजन भी चार पांच टाइप के होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज, जो वायरस जो कि बैक्टीरियाओं की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कॉलेरा, हैजा, टाइफॉइड, टीबी, ईटीसी। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, यानी ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है, ठीक है। जैसे मलेरिया अभी बताया मैंने, डायसेंट्री, ईटीसी। नेक्स्ट फंजाई, कवक, ये भी एक पैथोजन ही है जो कि बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, जैसे रिंगवॉर्म, लार्वा, खाज, खुजली, रिंगवॉर्म, इच, इचिंग, ये सब जिसकी वजह से जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फंजाई की वजह से होती है, ठीक। अब इनकी एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन सी डिजीज क्या क्या उसके सिम्टम है या फिर कैसे उनको बचाया जा सकता है, आपकी बॉडी को कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं उनसे, और क्या उनके सिम्टम है, उसके बारे में मैं आज स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको उनको कल। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, कोई अगर टफ टॉपिक नहीं था, ईजी था, थोड़ा घर पर पढ़ें आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।